हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल। और सभी को ऋतु का नमस्कार। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने एंथूरियम रखा हुआ है। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि एंथूरियम की पॉटिंग मिक्स के बारे में बताइए और एंथूरियम को रीपॉट किस तरीके से किया जाता है वो बताइए। तो ये आप देखिए, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आती हूँ। ये आप देख रहे हैं, मेरे पास ये पॉटिंग मिक्स रखा हुआ। इसमें हमने तीन हिस्सा गार्डन सॉइल ली है और बाकी जो है ये इसमें जो है ये हमने परलाइट मिला के रखा हुआ है। और परलाइट हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि परलाइट से जो है नमी बनी रहती है। जो मेरा रेगुलर पॉटिंग मिक्स है उसमें हम कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट यूज़ करते हैं। अभी हमने इसमें परलाइट भी मिलाई हुई है और थोड़ी सी हमने रिवर सैंड मिलाई हुई है, बहुत कम मात्रा में, करीबन 5% समझ लीजिए आप। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये एंथूरियम है। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं अभी अभी बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी जड़ें हैं, ये ग्रो करी और इसमें बहुत सारे नए छोटे छोटे पौधे भी बहुत सारे निकल रहे हैं। अभी मैं इसके पौधे अलग नहीं करूँगी, सिर्फ इसको रीपॉटिंग करने का आपको तरीका बताऊँगी। ये आप देख रहे हैं ये इसकी जड़ें जो हैं बाहर निकल आई हैं। तो इसको रीपॉटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले ये हमारे पास ये पॉट रखे हुए, बस इतना ध्यान रखना है कि एंथूरियम को जब हम रीपॉट करते हैं तो इसका पॉट बहुत बड़ा नहीं लेना है हमको। जितना बड़ा पौधा है उसके प्रमाण के हिसाब से हमको लेना है कि बस उसको फैलने की जगह मिले। तो अभी ये पॉटिंग मिक्स हम जो है इसमें एक तिहाई पूरा पॉटिंग मिक्स हम डाल देंगे, गमले को भर देंगे। अब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए, इसीलिए भरा जाता है इसको एक तिहाई, कि इसकी जो रूट है ये देख रहे हैं आप, ये रूट बहुत जल्दी बढ़ती है। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉटिंग मिक्स डालते हैं गमले में तो इसको बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसमें देखिए बहुत ही कम मिट्टी है, पूरी इसकी जड़ें ही जड़ें हैं और जितनी जड़ें फैलती हैं उतना ही अच्छा आपका पौधा रहता है। अभी इसको पानी की ज़रूरत है, इसकी पॉटिंग मिक्स जो है वो सूख गई है। तो ये देखिए, अब हम इसको थोड़ी सी जड़ें इसकी हल्की सी खोल लेंगे। नीचे से इसने पूरा पॉट का शेप ले लिया है, ये देखिए। अभी हम इसकी जड़ों को काटेंगे नहीं, हालांकि काफ़ी सारी ग्रोथ है, पर नेक्स्ट ईयर जब हम इसको रीपॉट करेंगे तब हम इसको काट लेंगे। एंथूरियम्स को साल में एक बार रीपॉट करना चाहिए हमको। और जब भी आप कभी लगाएं तो थोड़ी सी रूट ट्रिम कर लें और उसको बड़े वाले गमले में लगाएं। और लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो पौधा है वो पॉट से थोड़ा सा ऊपर हो। देखिए, जड़ों को सिर्फ हमें ढकना है, हमें उस जहाँ से शूट्स निकल रहे हैं, नए वाले पप्स निकल रहे हैं, उस एरिया को हमको खुला छोड़ देना जिसमें वो गले ना। और जब इसमें पानी देने की बारी आती है तो इसको पानी देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊँगी इसमें पानी किस तरीके से दिया जाता है। देखिए, किनारे से थोड़ा सा दबा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इनको पानी कैसे देना मैं आपको बताती हूँ। ये हमने टब में पानी भर लिया है और अब हम इस गमले को इसमें रख के छोड़ देंगे। तब तक छोड़ देंगे जब तक ये पानी पी न लें। हमारे ये जो पॉट है इसमें हमने एक ही होल किए हुए हैं। आपके यदि पॉट में ज़्यादा होल हैं तो आप इन्हें रख के इस तरीके से छोड़ दीजिए और ये पानी जब पी लेंगे तो आप जो है इनको निकाल के, और आप अंदर भी रख सकते हैं या सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा आप ओपन स्पेस में रखेंगे उसमें पत्तियाँ ज़्यादा निकलेंगी और इस तरीके से फूल कम आएंगे।
तो जब यदि आपको फूल ज़्यादा चाहिए तो आप बिल्कुल इसको शेड में रखिए, इंडोर रखिए, जिससे आपके पेड़ों में फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए। देखिए ये हमारे यहाँ था, इसको मैंने ओपन एरिया में रख दिया तो इसका जो कलर है ये कम हो गया, इसमें हरापन ज़्यादा आ गया। तो बस एंथूरियम की खूबसूरती जो है उसके पत्तियों ये वाले फूलों से है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप एक दिन के लिए उसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में निकालिए और फिर उसको अंदर रखिए। और जब इसमें ज़्यादा तो इसमें कीड़े मकोड़ों की समस्या इंसेक्ट्स की होती नहीं है, पर फिर भी जब आपको स्प्रे करना है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।